मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 16.2। अब इसमें अपना क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 तक करवाया था और बाकी क्वेश्चन सेम है, सेम टू सेम, बिल्कुल उसी प्रोसेस से करना है। इसलिए अब हम 9 क्वेश्चन करेंगे। इफ़ 42 मैन कंस्ट्रक्ट अ रोड इन 22 डेज, अगर 42 लोग एक रोड को 22 दिनों में पूरा करते हैं, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 33 मैन टू कंस्ट्रक्ट द सेम। 33 लोग उसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने में कितने दिन लेंगे। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 16.2, क्वेश्चन नंबर 9। टू लेट द नंबर ऑफ डेज क्या आएगा, एक्स, ठीक है। आगे देखो फिर, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज का रेशियो क्या होगा हमारे पास, 22 और एक्स, और रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स क्या हो जाएगा, 42 रेशियो 33 हो जाएगा। चलिए करते हैं, 42 रेशियो 33 प्रोपोर्शन का साइन, 22 रेशियो एक्स, तो क्या आएगा यहाँ पर, 42 अपॉन में 33 इक्वल टू 22 अपॉन में सॉरी यहाँ पे आपका एक्स आगे आ जाएगा और 22 बाद में आएगा, एक्स अपॉन में 22, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 42 इंटू में 22, इसको इससे, और अपॉन में 33, 11 3 जो 33, 11 2 जो 22, फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे तो इससे भी कट जाएगा, 3 1 जो 3 3 4 जो 12 14 2 जो क्या होता है 28, तो यानी कि नंबर ऑफ डेज कितना आ गया हमारे पास, 28। तो 28 डेज में ये वर्कर्स जो 33 वर्कर्स हैं वो काम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे हम, बाकी जो क्वेश्चन है 10 11 वो भी बिल्कुल सेम है 9 की तरह। 12th क्वेश्चन देखो, ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, ए और बी साथ में मिलकर 15 दिनों में ये काम ख़त्म करते हैं, बी अलोन कैन फिनिश इट इन 25 डेज, बी अकेले 25 डेज में पूरा करेगा, इन हाउ मैनी डेज कैन ए अलोन फिनिश द वर्क, फिर कितने दिनों में ए अकेले काम को ख़त्म करेगा। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12। तो लिखोगे ए एंड बी फिनिश अ वर्क कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 डेज में वो काम को ख़त्म कर रहे हैं, तो वन डे वर्क, ऑफ ए एंड बी कितना हो जाएगा, 1/15, एक दिन में इन्होंने इतना काम किया है, 1/15। फिर क्या बोला है कि ए बी काम को बी अलोन फिनिश अ वर्क, ए अलोन अकेले कितने दिनों में करता है, 25 डेज में, ठीक है। तो बी ने एक दिन में कितना काम किया, वन डे वर्क ऑफ बी, तो कितना हो जाएगा, 1/25। देन ए कैन ए अलोन फिनिश अ वर्क इक्वल टू 1 day, हम सिर्फ अभी एक दिन का निकालेंगे, ठीक है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, तो कैसे निकालेंगे, 1/15 में से 1/25 को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास इधर, एलसीएम 75, 15 के टेबल में 75 फाइव टाइम्स में, 25 के में 3 में, 2 अपॉन में 75 आंसर आ जाएगा। तो देखो 2 अपॉन में 75 क्या हो गया, एक दिन का काम हो गया, तो इसका पूरा काम कितना होगा, पूरा वर्क, तो बी अलोन फिनिश अ वर्क
इक्वल टू क्या आ जाएगा, 75/2। ठीक है, इन्वर्स कर देंगे जब वर्क निकालना होगा। आपने सेवन्थ में भी पढ़ा था कि ये कैसे करते हैं। फिर आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 37/2 डेज। इतने डेज में बी काम को ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस करने हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी।